मायसेल्फ पूजा ठोलिया जीतो चैप्टर गुड़गांव पालम विहार। आज मैं आपको कड़ी कचौरी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। सबसे पहले उड़द की दाल को 3 घंटे भिगोकर हमने उसका पानी निकाल तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें राई, जीरा, हींग और ये साबुत खड़ा मसाला डालेंगे। ये तड़क गया है, अब इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन के डाल के बेसन को भूनेंगे। बेसन को थोड़ी देर भूनेंगे रेड होने तक, हल्का रेड होने तक। बेसन हल्का सा भून गया है, अब इसमें हम दाल डालकर दाल के साथ भूनेंगे। दाल ये थोड़ी ही पक जाएगी। दाल हमारी लगभग पकने को है और बेसन भी सिक चुका है। अब इसमें हम काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर 2 चम्मच और अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हमारी दाल ने बिल्कुल जगह छोड़ दी है और ये मसाला पूरा पक चुका है। अब इसे ठंडा करने रख देंगे। सबसे पहले 2 कटोरी मैदा लेंगे, उसमें चुटकी भर मीठा सोडा, स्वादानुसार नमक, एक बड़ा चम्मच मोयन का डालकर मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा फिटा हुआ दही डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह ढीला ढीला सा कचौड़ी का आटा लगा लेंगे। इसको आधा घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अब हम कढ़ी बना रहे हैं। कढ़ी के लिए हमने इसमें 1 चम्मच घी, हींग, जीरे और राई का तड़का लगाया है, मिर्ची, इसमें 1 कटोरी बेसन और फिटा हुआ दही। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छे तक उबाल आने तक हिलाते रहना है ताकि इसमें गांठे ना पड़े, और जब उबाल आ जाए उसके बाद भी 15 मिनट तक इसको गैस पर ही पकाना है। इसमें हल्दी और नमक भी डाल देंगे। जरूरत के हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे और इसको उबाल आने के बाद 15 मिनट तक पकाएंगे। आटा रेडी हो चुका है, अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। आटा एकदम फर्मेंटेड हो चुका है, हाथ से फैलाते हुए 1 चम्मच दाल की उसमें भर देंगे और इस तरह उसको ये बिना जोड़ की कचौरी बन गई है। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें आप अपनी बनाई हुई कचौरियाँ डाल देंगे। हमें धीमी धीमी आंच पर ही इन्हें पकाना है और ज़्यादा हिलाना नहीं है। ये देखिए कचौड़ियाँ फूलने लग गई हैं, अभी हिलाना नहीं है। देखिए हमारी फूली फूली कचौड़ियाँ रेडी हैं और ये अच्छे से सिक भी गई हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। कचौड़ी उसके ऊपर डालेंगे, थोड़ी सी कड़ी, और थोड़ी सी मीठी सौंठ वाली चटनी। ये रेडी है राजस्थानी अजमेर की कड़ी कचौरी।